बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास स्पेशल फंक्शन है, उसका लेक्चर 7 है, इंटीग्रल रिप्रेजेंट ऑफ हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। आज हम हाइपरजोमेट्रिक फंक्शनों को लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में। लिखो, हम थ्योरम हमारे पास है, प्रूव दैट एफ अल्फा बीटा गैमा एक्स गैमा ऑफ गैमा इंटू गैमा ऑफ बीटा गैमा गैमा माइनस बीटा 0 to 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस एक्स की पावर टी होल पावर माइनस अल्फा इंटू डी टी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन यही डेफिनेशन है, अल्फा एफ इंटू अल्फा बीटा गैमा एक्स समेशन एन विद 0 to इन्फिनिटी अल्फा एन बीटा एन एंड ओवर गैमा एन एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अभी हमने प्रूव किया था कि अल्फ़ा ऑफ एन इज इक्वल टू गैमा अल्फ़ा प्लस एन ओवर गैमा अल्फ़ा। अगर हम लिखेंगे बीटा एन को गैमा बीटा प्लस एन ओवर गैमा बीटा, अगर आप लिखेंगे गैमा इंटू एन को तो गैमा इंटू गैमा गैमा प्लस एन ओवर गैमा गैमा गैमा। अब ये देखिए, मैंने डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया बीटा पे भी और है गैमा पे भी। बीटा और गैमा एन की वैल्यू उठा के अब इस फंक्शन में पुट कर दें, अल्फ़ा एन की वैल्यू नहीं रिप्लेस कर दी आपने, बीटा एन की वैल्यू भी मैंने रिप्लेस कर दी और गैमा एन की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल। उसके बाद आप गैमा गैमा इंटू गैमा और गैमा इंटू बीटा को मैंने बाहर निकाल दिया, समेशन एन 0 to इन्फिनिटी अल्फ़ा एन गैमा बीटा प्लस एन ओवर गैमा गैमा एम एम गैमा प्लस एन एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अगला स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई गैमा इंटू गैमा माइनस बीटा। मैंने गैमा माइनस बीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और मैंने डिवाइड भी कर दिया, डिवाइड मैंने बाहर लिखा और मल्टीप्लाई मैंने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको देखें, ये किसकी डेफिनेशन बनती है, बीटा की। आपने पढ़ा था कि बीटा एम एन इज इक्वल टू गैमा एम इंटू गैमा एन ओवर गैमा एम प्लस एन। देखें, पहले नंबर का ऊपर गैमा गैमा आएगा, सेकंड नंबर का गैमा मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, नीचे आएगा दोनों का सम का गैमा एम प्लस एन गैमा। तो आप देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, जहाँ देखें बीटा की जगह पे, बीटा की जगह पे मैंने बी को यूज़ किया है, बी ये देखें बीटा प्लस एन और गैमा माइनस बीटा। अगर आप दोबारा इसको चेंज करना चाहें तो देखें, फर्स्ट नंबर का गैमा इंटू सेकंड नंबर का गैमा दोनों की सम का गैमा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा, गैमा प्लस एन बचेगा। तो इसको ये मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो आप इसको इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपने इंटीग्रल फॉर्म में पढ़ा हुआ है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 टी की पावर एम माइनस 1 1 माइनस टी की पावर एन माइनस 1 डी टी। पहले हम लिखते हैं जो नंबर 1 है उसको हम कम करके लिखते हैं, वैसे ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, टी की पावर एम माइनस 1 और 1 माइनस टी की पावर एन माइनस 1। देखें, एक नंबर कम करके लिखेंगे एम माइनस 1 और इसको भी एक नंबर कम करके लिखेंगे, जब बीटा की तरफ लिखेंगे तो एक नंबर बढ़ाकर लिखते हैं। तो देखो, मैंने चेंज कर दिया इसको, ये हमारे पास था, नेक्स्ट हमारे पास था बीटा प्लस एन और गैमा माइनस एन, इसको भी एक नंबर कम करके लिखेंगे, इसको भी एक नंबर कम करके लिखेंगे इंटीग्रल फॉर्म में। तो मैंने लिखा 0 to 1 बीटा प्लस एन माइनस 1 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा माइनस 1 डी टी एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। तो ये डेफिनेशन भी मैंने साथ लिख दी ताकि आपका कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब आप देखें, टी की पावर बीटा माइनस 1 अलग कर लें और टी की पावर एन अलग मैंने कर ली, वो इसको मैंने एक्स के सामने ला लेंगे। देखें, हमारे पास टी की पावर एन को मैंने अलग कर लिया और टी की पावर बीटा माइनस 1 को हमने अलग कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस बीटा। ये मैंने समेशन एन विद 0 to इन्फिनिटी अल्फा एन, और देखें ये भी एक्स की पावर एन है, ये टी की पावर एन, दोनों पावर सेम है तो मैंने एक जगह पे लिख दिया ओवर एन फैक्टोरियल डी टी। अब आप क्या करें, ये समेशन अप्लाई कर दी मैंने, ये इसको मैंने लहदा आपको यहाँ कंसेप्ट दे दिया, एन वेरी 0 to इन्फिनिटी अल्फ़ा एन एक्स की एक्स टी की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। पहले आप एन को वैल्यू 0 दें, फिर एन को वैल्यू 1 दें, फिर एन को वैल्यू 2 दें, ये आपके पास एक सीरीज़ बन जाएगी। तो ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की मैं वैल्यू आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आपने लिखा था अल्फ़ा एन गैमा अल्फ़ा प्लस एन ओवर गैमा अल्फ़ा। अगर आप एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एन 0 पुट करें, गैमा अल्फ़ा ये देखो एन की वैल्यू 0 आ गई, ओवर गैमा अल्फ़ा कैंसल, तो गैमा अल्फ़ा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आप निकालें अल्फ़ा 1 की वैल्यू, यहाँ पुट करें एन की जगह पे आप 1 पुट कर दें तो ये आएगा गैमा अल्फ़ा प्लस 1 ओवर गैमा अल्फ़ा। इसको एक कम करके लिखते हैं, अल्फ़ा इंटू गैमा अल्फ़ा
ओवर गैमा अल्फ़ा, ये कैंसिल। तो देखिए अल्फ़ा वन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अल्फ़ा। अब अल्फ़ा टू की वैल्यू भी मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, अल्फ़ा टू। अब एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टू यहाँ पे। तो गैमा अल्फ़ा प्लस टू ओवर गैमा अल्फ़ा, इसको एक एक कम करके लिखेंगे जब हम, तो ये आएगा अल्फ़ा प्लस वन अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस वन इंटू अल्फ़ा इंटू गैमा ओवर गैमा अल्फ़ा, गैमा अल्फ़ा से गैमा अल्फ़ा कैंसिल, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस वन, ये आ गया अल्फ़ा टू की वैल्यू, अब टू सोन। तो ये देखें आपके पास क्या बन गई, बाइनोमियल सीरीज़, बाइनोमियल सीरीज। अगर बाइनोमियल सीरीज के हर टर्म के दरमियान प्लस हो तो दरमियान में प्लस आता है और नेगेटिव आता है और पावर भी नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ ये वाली इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, वन माइनस एक्स टी की पावर माइनस अलावे, सब की वैल्यू मैंने ये रिप्लेस कर दी। अब आप देखें ये हमारे पास इसका प्रूफ आ गया, ये हमने इसको लिख दिया इंटीग्रल फॉर्म में, यानी जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन था उसको हमने उसको लिख दिया इंटीग्रल फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है गॉस थ्योरम है, एफ अल्फ़ा बीटा गैमा वन। अब आप देखें यह हमारे पास जो ज्योमेट्रिक फंक्शन है वो था अल्फ़ा बीटा गैमा व एक्स इजिकल टू समेशन एन वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी अल्फ़ा एन बीटा एन ओवर गैमा एन एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अब आप देखें यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, वन। इसका मतलब हम एक्स की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, वन। मैंने यूज़ किया, अभी हमने प्रूफ किया है इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, अभी हमने हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का प्रूफ किया है, उसको हम लिखा था इंटीग्रल फॉर्म में, ये मैंने उसको इंटीग्रल फॉर्म जो फार्मूला प्रूफ किया वो फार्मूला मैंने लिख दिया। अब आप देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, वन। अब हम एक्स जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, वन। यहाँ एक्स जगह वन रिप्लेस कर रहे हैं, तो वन माइनस टी की पावर अल्फ़ा, ये दोनों के बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। मैंने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड। अब देखें जो बीटा की डेफिनेशन है, बीटा की क्या डेफिनेशन थी, बीटा एम एन इज इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी सॉरी ज़ीरो टू वन एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। अब देखें अगर आप बीटा से जाएं इंटीग्रल की तरफ तो दोनों की पावर एक एक कम करते हैं नंबर से, अगर आप इंटीग्रल से गैमा बीटा की तरफ आएँ तो नंबर को एक एक बढ़ाते हैं। अब आप देखें इसको एक बढ़ा के लिखें बीटा, इसको एक बढ़ाकर लिखेंगे तो देखें प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, गैमा माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा। अब आपको पता है कि दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, बीटा एम एन रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गैमा, बीटा एम एन गैमा ऑफ एन एन टू गैमा ऑफ एन ओवर गैमा एम प्लस एन। तो मैंने इसको देखे लिख दिया फर्स्ट नंबर का गैमा, सेकंड नंबर का गैमा, नीचे दोनों की सम का गैमा, माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, गैमा हमारे पास गैमा माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वेंडर थ्योरम। तो हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी थी गैमा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है अल्फ़ा बीटा गैमा व एक्स समेशन एन वेरी ज़ीरो टू इन्फिनिटी अल्फ़ा एन इंटू बीटा एन ओवर गैमा एन एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल। अगर आप देखें तो हमारे पास जो अल्फ़ा है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, माइनस एन आ रहा है, और जो एक्स है उसकी जगह पे क्या आ रहा है, वन। इसका मतलब है हम एक्स की जगह पे वन रिप्लेस करेंगे और बीटा की जगह पे माइनस एन रिप्लेस करेंगे। लेकिन हमने क्या किया, पहले बाय गॉस थ्योरम जो हमने पिछला थ्योरम प्रूफ किया है उसमें हमने एक्स की वैल्यू क्या रिप्लेस की थी, वन, वही हमने रिजल्ट यूज़ कर लिया। अब क्या करेंगे, अल्फ़ा की जगह पे हम माइनस वन रिप्लेस माइनस एन रिप्लेस करेंगे, अल्फ़ा की जगह पे लिखे माइनस एन। तो देखिए यहाँ पे अल्फ़ा है, वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा एन और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन। अब आप देखें आपको ये पढ़ा हुआ है आपने कि गैमा ऑफ एन, इसको एक काम करके लिखते हैं एन माइनस वन एन टू गैमा एन माइनस वन, जैसे गैमा ऑफ फाइव है तो इसको कम करके लिख सकते हैं फोर थ्री टू वन इंटू गैमा ऑफ वन। तो आपको पता है गैमा वन क्या होता है, वन के बराबर होता है, क्योंकि आपको पता है कि गैमा फाइव जो होता है वो एक कम नंबर के फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो लिखें अब इसको मैंने लिख दिया अल्फ़ा माइनस बीटा, मैंने एक नेगेटिव भी कर दिया एक पॉजिटिव से कंसेप्ट देने के लिए, क्योंकि गैमा अल्फ़ा प्लस वन को हम लिखते हैं अल्फ़ा इंटू गैमा अल्फ़ा, क्योंकि इससे एक कम मल्टीपल होता है, इससे एक कम गैमा लिखते हैं। तो लिखें इसको एक एक कम करके, एक कम करके लिख दिया, उसको फिर एक कम करें, एक और माइनस कर दिया, कम करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, गैमा माइनस बीटा इंटू गैमा माइनस बीटा, ताकि गैमा इंटू गैमा माइनस बीटा आपस में क्या हो जाए, कैंसिल। इसी तरह इसको भी एक कम करके लिखें अल्फ़ा प्लस गैमा माइनस एन, और एक कम करें माइनस टू, कम करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, गैमा इंटू गैमा गैमा, ताकि गैमा से
गैमा कैंसिल हो जाए और गैमा गैमा माइनस बीटा से गैमा माइनस बीटा कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास आप देखें, आपने पढ़ी थी इसकी डेफिनेशन, पोपहेमर की सिंबल की डेफिनेशन, अल्फ़ा एन अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस वन, अल्फ़ा प्लस टू, अप टू सोन अल्फ़ा प्लस एन माइनस वन, यानी इससे एक कम नंबर लास्ट टर्म में ऐड होता है। अगर यही हो अल्फ़ा प्लस वन इन टू एन, तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस वन, फिर कहाँ से स्टार्ट होगा, अल्फ़ा प्लस वन से, अल्फ़ा प्लस टू, अल्फ़ा प्लस थ्री, अप टू सोन अल्फ़ा प्लस वन, एन है तो कम करेंगे कम करके एन माइनस वन। अब देखें हमारे पास अल्फ़ा का काम क्या कर रहा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ भी अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका मतलब अल्फ़ा का काम कर रहा है अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस अप टू सॉन। देखिए लास्ट नंबर में क्या काम हो रहा है, एन माइनस वन, तो हम क्या करेंगे, गैमा माइनस बीटा की पावर एक बढ़ाकर, देखिए गैमा गैमा प्लस वन, गैमा प्लस टू, अप टू सॉन गैमा प्लस एन माइनस वन। अब आप देखें अल्फ़ा का काम क्या कर रहा है, गैमा, और लास्ट नंबर में क्या हो रहा है, एन माइनस वन, इसको एक बढ़ाकर लिखेंगे गैमा एन। ये हमारे पास थ्योरम है, वेंडर्स थ्योरम, इसको हमने प्रूव किया है बाय गॉस थ्योरम की मदद से।